क्विक गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया था। अब हम लोग आज जो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का जो रिएक्शन है वो पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। तो जो पहले क्लास में पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड क्या होता है। तो एसिड का थ्री डिफिनेशन हमने बताया था कि पहला, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो टेस्ट में सॉर यानी कि खट्टा होता है, जैसे आंवला हो गया, इमली हो गया, नींबू हो गया, ये सारे चीज़। दूसरा डिफिनेशन एसिड का हमने पढ़ा था कि जो एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर के प्रेजेंस में एच प्लस आयन्स देता है, यानी कि जिस भी कंपाउंड में एच होता है, एच प्लस आयन्स, जैसे हम बात करें एच सी एल एक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस आयन देगा, एच टू एस ओ फोर एच प्लस आयन देगा, एच एन ओ थ्री एच प्लस आयन देगा, एसिड है, सी एस थ्री सी डबल ओ एच ये भी एसिड है। यानी कि एसिड के बारे में सेकंड डिफिनेशन था जो एक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस आयन देगा। थर्ड डिफिनेशन हम लोगों ने क्या बताया था, लुईस एसिड। लुईस ने क्या बताया था कि अगर कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, दैट मींस वो क्या है, लोन पेयर को जो डोनेट कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है वो क्या है, एसिड है। इसी तरह हम लोगों ने बेस के बारे में क्या पढ़ा था कि जो टेस्ट में बिटर है, पहला डिफिनेशन। दूसरा हमने पढ़ा था जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देता है, एसिड H प्लस आयन देता है, बेस OH माइनस आयन देता है। लुईस के अकॉर्डिंग एसिड का जो थर्ड डिफिनेशन था वो क्या था, जो लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है वो बेस होता है। तो हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि इंडिकेटर्स क्या होता है। तो इंडिकेटर्स हमने देखा था कि इंडिकेटर उस सब्सटेंस को बोले थे जो सब्सटेंस ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है या क्या है। तो आज हम लोग सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के बारे में समझेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। तो नेचुरल इंडिकेटर जैसे लिटमस पेपर है, रेड कैबेज है, टर्मेरिक पाउडर है, चाइना रोज है, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर है। यानी कि इन इंडिकेटर के मदद से हम ये पता करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या कोई भी सब्सटेंस बेस है। जैसे हमने कल कल पढ़ा था ये कि अगर ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम कोई भी एसिड डालते हैं तो वो एसिड उस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो लिटमस पेपर से हमको क्या पता चल गया कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, या कोई भी सब्सटेंस एसिड बेस में से कुछ भी नहीं है। उसके बाद था रेड कैबेज, उसके बाद था टर्मेरिक पाउडर। टर्मेरिक पाउडर भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। अगर टर्मेरिक पाउडर को एक थोड़ा सा पानी लेके उसमें आप टर्मेरिक पाउडर को मिला दीजिए, उसमें आप नींबू, नींबू में एसिड होता है, नींबू उसमें डालिए, नींबू डालिएगा तो उसका कलर देखिएगा कि येलो ही रहता है अगर हम एसिड डाल रहे हैं। लेकिन अगर उसमें हम बेस डाल देते हैं, बेस बोले तो बेस आपके घर में बेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सर्फ जो है, कोई भी सर्फ लेके उसमें आप डालिएगा, जैसे ही डालिएगा तो उसका कलर जो है सो मतलब क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा टर्मेरिक पाउडर का। आप लोग घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर टर्मेरिक पाउडर में एसिड डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं, येलो ही रहेगा, लेकिन अगर उसमें कोई बेस डालते हैं तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। इससे हम पता कर सकते हैं कि ये सब्सटेंस बेसिक है या एसिड है। उसके बाद आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर किसको बोलते हैं, जो इंसान के द्वारा बनाया गया हो, जैसे फिनोनेप्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सारे इंसान के थ्रू बनाया गया है, जिस इंडिकेटर का यूज़ हम करते हैं एसिड और बेस को पहचानने में। तो अगर फिनोनेप्थिलीन में अगर हम कोई एसिड डालेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, लेकिन अगर कोई बेस डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज में अगर कोई एसिड डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा,
और अगर कोई बेस डालेंगे तो उसका कलर येलो हो जाएगा। तो ये था कुछ इंडिकेटर्स। अब इसके अलावा एक और कुछ इंडिकेटर्स है जिसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है? ये भी इंडिकेटर ही है, ये भी यही बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या कोई भी सब्सटेंस बेसिक है। लेकिन ये किस तरह बताता है? ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब होता है जो सब्सटेंस स्मेल के थ्रू यानी कि गंध के थ्रू ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट है। जैसे ओनियन जूस हो गया, ये भी इंडिकेटर का काम करता है। वेनीला हो गया, ये भी इंडिकेटर का काम करता है। क्लोव ऑयल, लौंग जो होता है, लौंग का तेल, वो भी इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो ये सारे इंडिकेटर स्मेल यानी कि गंध के थ्रू बताता है कि ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब हम लोग इंडिकेटर्स समझ गए। इसके अलावा हम लोग अब एसिड बेस और रिएक्शन के, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी कुछ रिएक्शंस देखा था। तो सबसे पहला रिएक्शंस, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ऐसा हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ, पिछले वीडियो में देखा था मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन एसिड करता है तो क्या फॉर्म करता है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। अब ये मेटल कार्बोनेट क्या है सर? मेटल कार्बोनेट का मतलब कुछ नहीं, मेटल के साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ है CO3। जिस भी कंपाउंड के साथ CO3 जुड़ा हुआ है यानी कि वो कार्बोनेट है। अगर मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो मेटल कार्बोनेट है। जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, जिंक कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, मतलब CO3 उसमें जुड़ा होना चाहिए। तो जब कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो भी बनाएगा सॉल्ट, प्लस इसमें याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वाटर रिलीज होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एसिड लिए जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया तो वो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड, मतलब सॉल्ट बनाया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा यानी कि CO2 बनाएगा, फिर H2O वाटर बनाएगा। यानी कि कोई भी एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, प्लस वाटर बनाता है। नेक्स्ट, जब कोई एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या? मेटल का मतलब मेटल, हाइड्रोजन मतलब H रहेगा, कार्बोनेट मतलब CO3 रहेगा। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक एग्जांपल देखते हैं, NaHCO3, ये क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब कोई एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो भी बनाता है सॉल्ट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसमें भी वाटर रिलीज होता है। यानी कि अगर कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तब भी वही बनेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, लेकिन अगर कोई एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो उस सिचुएशन में भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं फिर भी रिपीट कर लेते हैं। जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर सिंपली बनाएगा। जैसे एक एसिड लेते हैं HCl और बेस लेते हैं NaOH, तो क्या बनाएगा वो? NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है? सॉल्ट है और वाटर H2O। इसी तरह जब कोई भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
मेटल ऑक्साइड का मतलब आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो उस सिचुएशन में सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। इसके बाद कोई बेस, बेस मतलब जो OH माइनस आयन देता है, जिसका टेस्ट बिटर होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है, जैसे NaOH एक बेस है, KOH एक बेस है, CuOH होल टू एक बेस है, यानी कि जिसमें OH माइनस आयन्स हो। तो अगर कोई बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो पता है कि सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, लेकिन अगर कोई बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो भी वो सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाएगा, सिंपली मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। तो जैसे अगर हम बात करें NaOH अगर ZN के साथ रिएक्शन कर लिया तो वो सिंपली क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस सॉरी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर कोई बेस सिंपली किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और सॉल्ट फॉर्म करता है। उसके बाद अगर कोई बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब CO2, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन रहेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। अगर कोई एसिड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो भी फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए, जितने भी रिएक्शंस था एसिड और बेस का हमने सभी रिएक्शंस को बताया। आप लोग अगर रीड करेंगे बुक को तो अच्छे से समझ आएगा। पीएच स्केल्स भी हम लोगों ने देख लिया, इंडिकेटर्स भी देख लिया, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स था एग्जाम्पल्स के साथ हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के बारे में रीड करेंगे, और एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि ये मैं जो पढ़ाता हूँ वो कोई क्लास के लिए नहीं होता है, वो क्लास 1 टू इन्फिनिटिव किसी भी क्लास के लिए बेसिक से लेकर टॉप तक सारे चीज़ बताता हूँ। अगर आप लोग को कोई मतलब डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड किसी भी क्लास का, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट डे उस पर वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।